अस्सलाम वालेकुम. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेक्चर नंबर 16 फ्रॉम द यूनिट नंबर 8 9th फिजिक्स एंड दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सबसे पहली बात तो ये कि आज के जो लेक्चर है उसमें जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं. इन्हीं टॉपिक्स को जो है आपने अपने माइंड में रखना है कि हमने इन्हीं टॉपिक्स को क्या करना है, फर्दर डिस्कस करना है, ठीक है. और इन्हीं टॉपिक्स को आपने अपने माइंड में रखना है और अपनी बुक का जो पेज है पेज नंबर 187 इसको ओपन करें. ये लास्ट टॉपिक्स हैं आपकी बुक के और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और इनमें से मैं आपको बता दूँगी कि किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं या किस तरह से अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा तो शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आएंगे. तो ये टॉपिक्स जो हैं आप अपने माइंड में रखें. सबसे पहला टॉपिक जो है कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बाय मेटल स्ट्रिप, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स. थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स में कौन कौन से टॉपिक्स को हमने डिस्कस करना है वो आप सबके लिए सजेशन यहाँ पे दी गई है. सबसे पहले आपने अपने माइंड में ये रखना है कि जो हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं उसके डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, और उसके रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस इसी लेक्चर में आपको बता दिए हैं. जैसे जैसे मैंने आपको स्लाइड्स जो है आपको डिस्कस करवाऊंगी, जैसे जैसे मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाने हैं उससे रिलेटेड उसी टाइप के मैंने जो है क्वेश्चंस ऊपर बना दिए ताकि आपको क्वेश्चंस को पढ़ने में ना कोई डिफ़िकल्टी और आपके पास अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली आंसर जो है वो अटैम्प्ट कर देते हैं, ठीक है. तो आपने इस लेक्चर को केयरफुली सुनने हैं और इसको अंडरस्टैंड करने हैं कि आज जो है हम लेक्चर समझने जा रहे हैं, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आपको एक एक लफ्ज़ जो है वो समझ में आना चाहिए कि आखिर थर्मल एक्सपेंशन की वजह क्या थी. थर्मल एक्सपेंशन जो था हमने लेक्चर नंबर 16 में प्रीवियस जो टॉपिक्स था थर्मल एक्सपेंशन का वो हमने पढ़ लिया था, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं उनके जो कॉन्सिक्वेंस हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. सबसे पहले आप अपनी बुक का पेज नंबर 187 ओपन करें. मैं सबसे पहले आपकी बुक से आपको रीड करवाऊंगी, ठीक है, और ताकि फिर जब मैं स्लाइड्स पर आऊं तो आपको स्लाइड्स पढ़ने में मुश्किल ना हो, डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है. तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपकी बुक से पेज नंबर 187 ओपन करें. इसको यहाँ से हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से जो है ये समझ में आ जाए. और यहाँ से जो पहला पैराग्राफ है पेज नंबर 187 पे कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ये देख लेते हैं. व्हाई गैप्स आर लेफ्ट इन द रेलवे ट्रैक्स, के जो रेल की पटरियाँ होती हैं, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, इनके दरमियान में गैप क्यों छोड़ा जाता है और अगर गैप छोड़ा जाता है तो आखिर इसकी वजह क्या है. द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स में डैमेज द ब्रिजेस रेलवे ट्रैक्स एंड रोड्स एज दे आर कॉन्सियसली सब्जेक्टिव टू टेम्परेचर चेंजेस. अब मेरी बात सुनिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये आया है कि रेलवे ट्रैक्स में जो गैप्स हैं वो क्यों छोड़े जाते हैं. अब यहाँ पर पेज नंबर 187 पर आपके पास एक फिगर है 8.15. यहाँ पर देखें एक रेलवे ट्रैक है उसके दरमियान में थोड़ा सा गैप रखा गया. वो गैप इसलिए है क्योंकि देखिए गर्मियों के सीज़न में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो लोहा होता है ना सॉलिड होता है वो हमेशा फैलता है, ठीक है, अपनी जो शेप है उसको तब्दील करता है टेम्परेचर की वजह से. अगर हम दरमियान में गैप नहीं इसमें छोड़ेंगे रेल की पटरियों में रेलवे ट्रैक पे तो क्या होगा कि जाहिर सी बात है रेल की जो पटरियां हैं वो आपस में फैलेंगी. जब वो फैलेंगी तो जाहिर सी बात है उनको फैलने के बाद कुछ जगह तो चाहिए ना अपने आप को सीधा रखने के लिए, क्योंकि ट्रेन जो है हमेशा स्ट्रेट पाथवे जो है अपनाती है. अब क्या होगा कि जब कोई गैप ही उनमें लेफ्ट नहीं होगा तो क्या होगा, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो अपनी शेप को बेंड कर लेते हैं जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक जो है वो टोटली डैमेज हो जाता है. और जब ट्रेन जो है उस ट्रैक पर चल रही होती है तो जाहिर सी बात है वो अपना रास्ता मिस कर देती है, क्योंकि जाहिर सी बात है बेहंगम या इररेगुलर पाथ पर कभी भी ट्रेन नहीं चल सकती. तो क्या होते हैं इससे बहुत से इंसिडेंट्स हो जाते हैं, बहुत से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. तो इसलिए जो गैप्स हैं वो रेल की पटरियों के दरमियान में इसलिए छोड़े जाते हैं ताकि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो और सॉलिड जो है अगर वो फैले तो उस छोड़ी हुई जगह पर वो अपने आप को मेंटेन कर ले. अगर जगह नहीं छोड़ेंगे यानी कोई गैप नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा कि ट्रेन की जो पटरियाँ हैं वो क्या करेंगी,
मतलब अपनी जगह से हट जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि थर्मल एक्सपेंशन के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद है, सो प्रिवेंट इज मेड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फॉर एक्सपेंशन एंड कंट्रेक्शन विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर के सिकुड़ने या टेम्परेचर के फैलने, टेम्परेचर के कम या टेम्परेचर के ज़्यादा होने की वजह से हम ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं किसी भी सॉलिड में कि हमें पता हो कि अगर टेम्परेचर इतना बढ़ेगा तो इस टेम्परेचर की बढ़ने की वजह से जो सॉलिड है वो इतनी मिकदार से अपनी शेप को क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, रेलवे ट्रैक्स बकल्ड ऑन अ हॉट समर डे ड्यू टू एक्सपेंशन इफ गैप्स आर नॉट लेफ्ट बिटवीन सेक्शन। अब क्या होता है कि अगर रेलवे ट्रैक्स जो हैं, अगर उनके दरम्यान में गैप नहीं छोड़ा जाएगा तो वो अपनी जगह तब्दील करेंगे, मतलब वो थोड़ा सा फैल जाएंगे, थोड़ा सा टर्न ले लेंगे। जैसे टर्न लेंगे, जैसे बात है, अब ट्रेन तो नहीं चल सकती, टर्न पाथवे पर क्या होते हैं, फिर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं उनके दरम्यान में क्या होता है कि गैप जो है वो छोड़े जाते हैं ताकि वो इजीली अपना जो पाथ है वो कवर कर सकें। ब्रिजेज मेड ऑफ स्टील गर्डर्स एंड आल्सो एक्सपेंड ड्यूरिंग द डे एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग नाइट। अच्छा, अब हमने दिन और रात के लिहाज से इसको स्टडी करना है कि रात में टेम्परेचर कम होता है जिसकी वजह से जो ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं वो बिल्कुल सही रहती हैं, उन पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। दिन में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं, यानी रेलवे ट्रैक जो है, यानी वो जो सॉलिड का बना हुआ होता है, वो अपनी जगह थोड़ा सा रिप्लेस करता है। दे विल बेंड, और वो बेंड हो जाते हैं इफ़ द एयर एंड्स आर फिक्स्ड, अगर उनके एंड्स को फिक्स करा जाए। इसलिए कहते हैं कभी भी एंड्स को फिक्स यानी कि जोड़ा नहीं जाता, थोड़ा सा गैप रखा जाता है। ठीक है, टू अलाउ द थर्मल एक्सपेंशन वन एंड इज फिक्स्ड व्हाइल द अदर एंड इज गर्डर रेस्ट आर ऑन रोलर्स इन द गैप्स लेफ्ट फॉर एक्सपेंशन। जिसकी वजह से हम कहते हैं कि एक सिरा जो होता है ना रेलवे ट्रैक का, उसको फिक्स रखते हैं, दूसरे सिरे के दरमियान थोड़ा सा गैप रखते हैं ताकि अगर सॉलिड जो है टेम्परेचर की वजह से अपने आप को एक्सपेंड करे तो क्या हो कि पाथवे जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहे, थोड़ा सा बेंट ना हो। ठीक है, क्योंकि बेंड होने की वजह से रेलवे ट्रैक जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद है ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन्स आर आल्सो गिवन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सैग सो दैट दे कैन कॉन्ट्रैक्ट इन विंटर विदाउट स्नैपिंग। यानी कि गर्मियों में क्या होता है कि सॉलिड एक्सपेंड करते हैं और विंटर में सॉलिड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ से आपकी स्लाइड डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स में डैमेज द ब्रिजेज, कि अगर सॉलिड एक्सपेंड करता है तो क्या होता है, ब्रिजेज जो है वो डैमेज हो जाते हैं, ब्रिजेज हो जाते हैं डैमेज, रेलवे ट्रैक्स डैमेज हो जाते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस रोड्स भी क्या होते हैं, कॉन्स्टेंटली इसी चीज का शिकार हो जाते हैं जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है। रेलवे ट्रैक्स बकल्ड ऑन अ हॉट समर डे ड्यू टू एक्सपेंशन इफ गैप्स आर नॉट लेफ्ट बिटवीन सेक्शन। वो यहाँ पर कहने का असल मकसद जो ये वो ये है कि अगर रेलवे ट्रैक्स के दरमियान में गैप्स नहीं छोड़े जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉलिड भी एक्सपेंड करेगा, जब सॉलिड एक्सपेंड करेगा उसको फैलने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए, अब गैप तो है नहीं, तो क्या होगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, बकल्ड हो जाएगा, यानी कि साइड पर थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हाउ डज थर्मल एक्सपेंशन अफेक्ट्स डेंसिटी, के थर्मल एक्सपेंशन जो है ये डेंसिटी पर किसने अफेक्ट करती है, ये आपको पता होना चाहिए। थर्मल एक्सपेंशन डेंसिटी को डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन द वाटर इज अ लिक्विड, वी नो दैट वाटर जो है एक लिक्विड है, द वाटर मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड रिलेटिवली क्लोज टुगेदर। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्डेड रखा जाता है, बट कैन स्लाइड पास्ट ईच अदर एंड मूव अराउंड फ्री। लेकिन सॉलिड की तरह ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये टाइटली बॉन्डेड नहीं होते, इनके दरमियान में थोड़ा सा गैप होता है ताकि जब हम उनको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रेंडमली मूव करते हैं और एक दूसरे के ऊपर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। सॉलिड्स की तरह नहीं होते कि बिल्कुल टाइटली पैक्ड हो जाए और जो है वो उनमें जस्ट वाइब्रेशन हो, वो अपनी जगह तब्दील ना करें और वो ना उनमें मूवमेंट हो रैंडमली। इसलिए कहते हैं वाटर के मॉलिक्यूल जो है सॉलिड की निस्बत रैंडम मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद है टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज फ्रॉम 4 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज। जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड से हम टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करते हैं वाटर की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है व्हाई डू रेलवे लाइंस बकल इन हॉट वेदर। ये हमने वेदर जाहिर सी बात है गर्मियों के हवाले से हमने इसी मैंने आपसे कहा था, पहले आप अपनी बुक का जो पैराग्राफ मैं आपको समझा रही हूँ पहले आप यहाँ से पढ़ लें ताकि जब मैं स्लाइड्स आपसे डिस्कस करूँगी तो आपको स्लाइड्स पढ़ने में आसानी होगी कि हाँ हम बुक से इस टॉपिक को कवर कर चुके हैं। तो पेज नंबर 187 पर कॉन्सिक्वेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो मैंने आपको बताया, पूरा पैराग्राफ मैंने आपको रीड करा दिया, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से डिस्कस करके मैं बता रही हूँ ताकि आपको इजीली कवर हो जाए। अब उन्होंने यहाँ पर जो सवाल था वो ये है कि गर्म मौसम में लाइंस जो है रेलवे लाइंस वो बकल क्यों हो जाती है, यानी मुड़ क्यों जाती है।
इंटेंस हीट काज द स्टील रेल रोड ट्रैक्स टू एक्सपेंड एंड टू बकल अंडर द एक्स्ट्रा स्ट्रेस। वी नो दैट कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो जाहिर सी बात है सॉलिड भी है वो भी तो एक्सपेंड करेगा, बकल करेगा, उस पर स्ट्रेस काज होगा। ट्रेन रिड्यूस देयर स्पीड, जिसकी वजह से ट्रेन की जो स्पीड हो जाती है वो कम हो जाती है। इन एक्सट्रीम हीट टू पुट लेस एडिशनल फोर्स ऑन द ट्रैक, और फिर क्या होता है कि उसको मतलब ट्रैक्स पर कम मिकदार में फोर्स लगानी पड़ती है और फिर क्या होता है कि ट्रेन जो है वो डिले हो जाती है। ठीक है, व्हाट इज थर्मल एक्सपेंशन, डिस्क्राइब थ्री एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या है तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके आगे हमने एप्लीकेशन जो फर्दर डिस्कस करनी है, पेज नंबर 187 पर पैराग्राफ है एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सबसे पहले मैंने आपकी बुक से आपको डिस्कस करवाना, उसके बाद हम स्लाइड को डिस्कस करेंगे। अब देखें, आपको मैंने पिछले टॉपिक जो है आपको बुक से पहले पढ़ा, उसके बाद स्लाइड से पढ़ाए, तो स्लाइड से पढ़ने के बाद आपको कवर हो गया ना टॉपिक, आपने पहले बुक को रीड किया, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। अब आपको जो थर्मल एक्सपेंशन कॉन्सिक्वेंस थे उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पे। सबसे पहले हम आपको बुक से डिस्कस करवा देते हैं, उसके बाद जाकर आपको स्लाइड से डिस्कस करवाऊंगी विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये टॉपिक अगर इतने यानी कि किस हिसाब से क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं उस टॉपिक्स में से, और आपने किस तरह अपने आंसर को एग्जामिनर के सामने पेश करना है। तो सबसे पहले आपके बुक से रिलेट जो कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की हम एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। थर्मल एक्सपेंशन जो हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है थर्मामीटर्स में, थर्मल एक्सपेंशन इज यूज इन टेम्परेचर मेजरमेंट। बेसिकली थर्मल एक्सपेंशन को टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टेम्परेचर और थर्मामीटर। टू ओपन द कैप ऑफ द बॉटल दैट इज टाइट इनफ। अब देखें, जो एक बॉटल की कैप होती है वो बहुत टाइट है, उसको खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम उसको गर्म वाटर में डालते हैं, ठीक है, फॉर अ मिनट। फिर मटेरियल जो है मेटल की जो कैप होती है वो एक्सपेंड करती है, लूज़ हो जाती है और इजीली खुल जाती है। बेसिकली आपको बताने का मकसद ये था कि बोतल की जो कैप होती है वो टाइटली बॉन्ड होती है। जब हम उसको पानी के अंदर डालते हैं, गर्म पानी के अंदर, तो जैसी बात है गर्म पानी में हीट तो होती है, हीट की वजह से जो स्टील होता है, जो मेटल होती है, सॉरी जो मेटल होती है वो एक्सपेंड कर जाती है। जब एक्सपेंड करेगी तो जैसी बात है वो अपनी शेप को लूज़ कर देगी, जिसकी वजह से वो आसानी से खुल जाती है बोतल। टू ज्वाइन स्टील प्लेट्स टाइटली टुगेदर रेड हॉट रिवर्स आर फोर्स थ्रू होल्स इन द प्लेट्स एज शोन इन द फिगर। द एंड ऑफ हॉट रिवर्स इज देन हैमर्ड ऑन कूलिंग द रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रिंग द प्लेट्स टाइटली ग्रिप्ड। सर्दियों में क्या होता है कि ये आपस में, मैंने आपको बताया था, जब टेम्परेचर कम होता है तो रिवर्स यानी कि नट वगैरह जो वो बहुत क्लोज हो जाते हैं, गर्मियों में एक्सपेंड कर जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपसे डिस्कस करने हैं आपकी स्लाइड से थर्मल एक्सपेंशन की थ्री एप्लीकेशन जो हमने डिस्कस करनी है। एडवांटेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड एग्जांपल, के थर्मल एक्सपेंशन की सॉलिड की क्या फायदे वो हमने पढ़नी है। द प्रिंसिपल थर्मल एक्सपेंशन इज यूज इन फिक्सिंग आयरन विद अ वुडन व्हील फर्मली। के थर्मल एक्सपेंशन में जो आयरन होती है उसको जो लकड़ी का जो व्हील होता है उससे हम टाइटली बॉन्ड कर देते हैं। रिवर्स आर यूज टू होल्ड स्टील प्लेट्स टुगेदर वेरी टाइटली। अ वेरी हॉट रिवेट इज पुश्ड थ्रू द टू प्लेट्स एंड इट्स एंड इज हैमर्ड ओवर। ये दोनों आपके पास एडवांटेजेस हैं थर्मल एक्सपेंशन के, एंड इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। आपने दरमियान से जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किए हैं, देन आई एम वेरी श्योर कि मैंने आपको सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिहाज से रिलेटेड जो थे क्वेश्चन मैंने आपको बताए, और ये भी बताया कि किस लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, किस लिहाज से अपने लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें सारे। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक्स में जो है डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है वाई डू ट्रेन ट्रैक्स बेंड, के ट्रेन के जो ट्रैक्स हैं किससे बेंड हो जाते हैं। वही है कि एक्सट्रीम हीट पर क्या होता है कि लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक जो है चीज़ें पैदा हो जाती हैं, कि जैसी बात है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो मतलब ट्रैक्स के जो सॉलिड के वाले भी होते हैं उनमें वाइब्रेशन होती है, जिसकी वजह से रेल रोड जो होते हैं वो बेंड कर जाते हैं। हीट रिलेटेड एक्सपेंशन प्लेस अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द टाइस ब्लास्ट एंड रेल एंड कोर्स दैट गिव द ट्रैक्स टू ग्राउंड। उसके बाद है व्हाई डू रेलवे लाइंस बकल इन हॉट वाटर। ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कि जैसी बात है कि जब हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है
तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्टील को बहुत ज़्यादा रैंडमली मूव करते हैं, और अगर गैप नहीं होगा तो ऐसी बात है वो अपनी शेप तो उन्होंने बदलनी है, तो वो थोड़ी सी बेंड कर जाते हैं, बकल कर जाते हैं, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और फिर ट्रेन को डिले हो जाती है या बहुत से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। उसके बाद है टेम्परेचर, डू रेल्स बकल के टेम्परेचर जो है बकल के साथ क्या करते हैं, रेल के बकल्स के साथ वो भी पढ़ लेते हैं। बकल मतलब तो जो जोड़ने वाले हिस्से, ठीक है, बिकॉज रेल्स आर मेड फ्रॉम स्टील, दे स्पेंड एज द गोट हीटर्स, ऐसी बात है। जो रेल्स की पटरियाँ होती है, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, वो स्टील के बने हुए होते हैं। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होते हैं कि वो एक्सपेंड करते हैं स्टार टू कर्व और कर्व रहना शुरू कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बकलिंग कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया था बकलिंग का मतलब तो बेंड हो जाना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द नेटवर्क कैन ऑपरेट व्हेन ट्रैक टेम्परेचर्स हीट अप टू 46 डिग्री सेंटीग्रेड, रफली इक्वलेंट टू एयर टेम्परेचर ऑफ अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड, बट रेल्स हैव बीन रिकॉर्डेड टू टेम्परेचर एज हाई 51 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट्स जो ये रेंज होती है जिस यहीं पर जो है टेम्परेचर मतलब उसमें रहता है। उसके बाद वाई डू ट्रेन गो स्लोअर व्हेन इट्स होल्ड, ऐसी बात है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और ट्रेन की जो पटरियाँ हैं उनके दरमियान में जो गैप है, अगर वो बहुत ज़्यादा भी है तो सबसे पहले वो स्पेंड करती हैं, जगह तो क्लोज कर लेती हैं, लेकिन जब ट्रेन जो है वहाँ से गुजरती है तो फिर क्या होता है कि वो आराम से, जैसे बात है, हीट वहाँ से भी रिलीज़ हो रही होती है, फिर ट्रेन में से भी हीट रिलीज़ हो रही है, जिसकी वजह से ट्रेन को आगे पहुँचने में बहुत लेट हो जाता है, ठीक है। हाउ डू यू ओपन अ टाइट मेटल कैप विद ग्लास बॉटल, ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था कि आपके पास ये सारे प्रोसेस आ गए हैं। आप मैंने आपको पहले बताया था कि बॉटल की कैप है वो बहुत टाइट बॉन्डेड है, आपने उसको गर्म पानी में डालना है। गर्म पानी में डालने की वजह से जो उसका मेटल है वो एक्सपेंड करेगा, वो लूज़ हो जाएगी कैप और फिर वो ईजिली बॉटल से ओपन हो जाएगी। ये कुछ मेथड्स हैं, ये आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास लास्ट टॉपिक है बाई मेटल स्ट्रिप। बाई मेटल, बाई मीन्स दो, मेटल मीन मेटल, स्ट्रिप मीन पट्टी, यानी मेटल की दो ऐसी पट्टी हैं जो हमने डिस्कस करनी है और उनको हम इजीली हम डिस्कस कर लेते हैं। एक जो है वो ब्रास की बनी हुई होती है, ठीक है, और एक आयरन की बनी हुई होती है। इन दोनों को जो हमने डिस्कस कर लेना है। अब बाई मेटल स्ट्रिप इज यूज टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर चेंज इन टू अ मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट। बाई मेटालिक स्ट्रिप एक ऐसा होता है जो टेम्परेचर को चेंज करता है मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट में। दिस स्ट्रिप कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स विच एक्सपेंडेड डिफरेंट रेट एज दे आर हीटेड। यूजुअली स्टील एंड कॉपर आर इन सम केस स्टील एंड ब्रास, सम केसेस में हम स्टील और ब्रास को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जो बाई मेटालिक है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आएगा। आपने इसकी डेफिनेशन लिख ली और इसकी टाइप्स लिखनी है, उसको एक्सप्लेन बेशक ना करें लेकिन थोड़ा सा आपने इसकी टाइप्स लिख के बताना है कि कौन सा मेटल किस वजह से यूज हो रहा है, क्या पर्पज है उसका। और बाई मेटालिक स्ट्रिप की जो डेफिनेशन है वो आपने यहीं से करनी है कि टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट में, ठीक हो गया। उसके बाद अब बाई मेटल स्ट्रिप किस तरह वर्क करती है, आपने वर्क लिखने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आ सकता है कि वर्किंग बताओ बाई मेटल स्ट्रिप की, तो मैंने आपको वर्किंग भी दे दी है। यानी आपके साथ जो लेक्चर हम डिलीवर हम आपको जो लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं बेशक थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, लेकिन आपसे जो आपको जो डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपको साथ में क्वेश्चन समेत आपको आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाएं तो आपको पता हो कि हमने लेक्चर में इस तरह के क्वेश्चन पढ़े थे, इस तरह से हमने आंसर को अटैम्प्ट करना है। इसलिए मैं अब आपको लेक्चर, पहले तो मैंने ऐसे किया था कि लेक्चर आपको डिलीवर कर रही थी बट मैं आपको क्वेश्चन ही बता रही थी कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। अब मैं ऊपर आपको क्वेश्चन लिखती हूँ, नीचे आंसर बता देती हूँ, ताकि आपको नोट डाउन करने में भी आसानी और समझ में आ जाए कि हाँ इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो बाई मेटल स्ट्रिप का जो वर्क है वो हम पढ़ लेते हैं। ट्रेडिशनल थर्मोस्टेट, थर्मो मीन्स थर्म मीन्स हीट एंड स्टेटमेंट कन्वर्ट करने वाला, यानी कि टेम्परेचर को कन्वर्ट करने वाला, हैज टू पीस डिफरेंट मेटल्स बोल्टेड टुगेदर टू फॉर्म अ वर्ड्स कॉल्ड द बाई मेटल स्ट्रिप, जिसको हम बाई मेटलिक स्ट्रिप भी बोलते हैं या बाई मेटल स्ट्रिप बोलते हैं। द स्ट्रिप वर्क एज अ ब्रिज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्टेड टू यूर हीटिंग सिस्टम, के जो बाई मेटल स्ट्रिप है ये ऐसे वर्क करता है जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट जो कनेक्ट होता है हीटिंग सिस्टम के साथ। इवेंचुअली आखिरकार इट बेंड्स सो मच दैट ब्रेक्स ओपन द सर्किट, इवेंचुअली ये ब्रेक कर जाते हैं और सर्किट को ओपन कर देते हैं। वेयर आर बाई मेटेलिक स्ट्रिप्स यूज, के बाई मेटेलिक स्ट्रिप को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। बाई मेटल स्ट्रिप इज अ थिन फ्लैट पीस ऑफ शीट मेटल बॉन्डेड टू अनदर काइंड ऑफ मेटल सर्फेस टू सर्फेस, ये एक मेटल की ऐसी काइंड है, एक ऐसी किस्म है, दूसरी किस्म है जो सरफेस टू सरफेस क्या होती है, बॉन्डेड होती है। इट इज़ कॉमनली यूज एज अ थर्मोस्टेट, इसको बेसिकली थर्मोस्टेट के तौर पर यूज़ किया जाता है। आपके पास एक एमसीक्यू जा सकता है बाय मेटेलिक स्ट्रिप्स बेसिकली यूज एज, तो आपने ऑप्शन कौन सा लगाना है, थर्मोस्टेट। अ टेम्परेचर इंक्रीज द स्टील बेंड्स
जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टी, वो बेंड कर जाती है, बिकॉज द मेटल्स आर सिलेक्टेड टू अ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल। मेटल्स जो होती हैं उनकी एक लिमिटेड अमाउंट होती है कि हमने लिमिटेड अमाउंट में उनको टेम्परेचर प्रोवाइड करना है और इतने टेम्परेचर तक वो अपने आप को बर्दाश्त कर सकती हैं, अपनी शेप को मेंटेन कर सकती है। जब हम जरूरत से ज़्यादा उनको टेम्परेचर देंगे तो बेसिकली वो अपनी पोजिशन तो चेंज करेंगे, अपनी शेप में तो तब्दीली लाएंगे, तो फिर क्या होता है वो स्ट्रिप जो होती है थोड़ी सी बेंड कर जाती है। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 187 ओपन करें अपनी बुक का, आपकी बुक से पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ ताकि फिर जो टॉपिक हमारा वो इजीली कवर हो जाए। बायोमेटल स्ट्रिप मैंने आपसे डिस्कस किया है, आपकी बुक से पेज नंबर 187 ओपन करें। बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स कंसिस्ट ऑफ टू थिन स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल सच एज ब्रास एंड आयरन जॉइंट टूगेदर। हमने पढ़ लिया है कि दोनों स्ट्रिप्स पे कंसिस्ट कर रही होती हैं, एक ब्रास और आयरन पे, वन हीटिंग द स्ट्रिप। अगर हम एक स्ट्रिप को हीट कर रहे हैं यानी कि ब्रास को हमने ले लिया है, तो ब्रास जो है ये आयरन से ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। दिस अनइक्वल एक्सपेंशन काज अ बेंडिंग द स्ट्रिप। क्यों? ब्रास जो है वो इजीली एक्सपेंड करेगा आयरन की इस बार। ये देखें अब दोनों पट्टी यहाँ पे, एक तो है आयरन की और एक है ब्रास की। ब्रास वाली सेकंड देखें थोड़ी सी बेंड कर गई है और आयरन वाली बिल्कुल स्ट्रेट है। इसका मतलब है टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट इस पर पड़ा है ब्रास पर। ठीक हो गया। बायोमेटल स्ट्रिप्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। बायोमेटल थर्मामीटर्स आर यूज टू मेजर द टेम्परेचर स्पेशली इन फर्नेसेस एंड ओवंस। ओवंस और फर्नेस दोनों में ही हम फ्लेम यूज़ करते हैं, हीट यूज़ करते हैं, तो बायोमेटल थर्मामीटर को भी हम इजीली वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बायोमेटल स्ट्रिप्स आर आल्सो यूज इन थर्मोस्टेट्स। बायोमेटल थर्मोस्टेट्स व्हिच सच एज शोन इन फिगर इज यूज टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ अ हीटर कॉइल इन एन इलेक्ट्रिकल इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है कि बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स जो है वो मुफीद क्यों होती है, उसको भी हम डिस्कस करें। बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स बॉन्डिंग टू मेटल्स विद अ डिसिमिलर थर्मल एक्सपेंशन। ऐसी बात है, ब्रास के जो थर्मल एक्सपेंशन है वो कुछ और होगा, यानी ब्रास जो है उसकी अपनी अमाउंट है वो कितनी मिकदार पर अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, और आयरन की अपनी मिकदार है वो कितनी मिकदार पर अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये थोड़ी सी आपसे डिस्कस कर ली है। उसके बाद जो हम चलते हैं, हाउ बायोमेटालिक स्ट्रिप्स यूज इन थर्मोस्टेट, के बायोमेटालिक थर्मोस्टेट जो है, बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है थर्मोस्टेट में कैसे यूज़ होती है, कि ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली। ये एज इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्टेड यूज़ किया जाता है उसको हीटिंग सिस्टम के साथ। देखिए अब मटेरियल एक ही है लेकिन डिफरेंट तरह के आपके पास क्वेश्चन जो है वो पेश किए जा रहे हैं। आपने बस अपने एग्ज़ाम के लिहाज से दो शॉर्ट क्वेश्चन याद करने, एक तो बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स की डेफिनेशन, इसकी वर्किंग और इसके यूजेस, बस इतना ही आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। ये आपसे एक्स्ट्रा यहाँ पर मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से कवर हो जाएँ, आप हर लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर करके जाएँ। ठीक है। तो हमने बायोमेटेलिक सर्फेस की स्ट्रिप्स की सारी डेफिनेशन जो कवर कर ली थी। अब हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड की। ठीक है, कि लिक्विड जो है वो किस तरह, सबसे पहले तो आपने अपने माइंड में कुछ चीज़ों को याद रखना है, वो कौन सी, एक तो है टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो वाटर के मालिक्यूल्स हैं वो रेंडमली मूव करेंगे जो एक दूसरे से टकराएंगे, गैसेस फॉर्म में तब्दील होंगे, थर्मल एक्सपेंशन अकर होगी। तो आज हम इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्लाइड को चेक करें, यहाँ से मैं आपको पढ़ा दूँ, उसके बाद बुक पढ़ाते हैं। द लिक्विड एक्सपेंड एज इट इज हीटेड। लिक्विड जैसे एक्सपेंड करता है, जैसे हम इसको गर्म करते हैं, द हीट फ्रॉम द हैंड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन द लिक्विड। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हीट प्रोवाइड करते हैं तो लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो दे मूव फास्टर एवरेज एंड टेंड टू मूव फर्दर अपार्ट एज द कोलाइड एंड बम्प अराउंड। जाहिर सी बात है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, द रिजल्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। बहुत आसान था यहाँ से, अब आपकी बुक से डिस्कस कर लेते हैं। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस विद इन द लिक्विड। जाहिर सी बात है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो रेंडमली मूव करते हैं ऑन हीटिंग लिक्विड, द एवरेज टेम्परेचर वाइब्रेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। जाहिर सी बात है कि जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो रेंडमली मूव करेंगे, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा। द मॉलिक्यूल्स पुश ईच अदर, मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे को धकेलेंगे एंड नीड मोर स्पेस, और बहुत ज़्यादा खला जो है मांगेंगे
एक दूसरे से, जैसे बातें जब वो एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे से इतने ज़्यादा कोलिजन शो करेंगे, तो एक दूसरे से दूर भी तो जाएंगे ना। जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो स्पेस भी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। दिस अकाउंट्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड्स व्हेन हीटेड। द थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड्स ड्यू टू वीक फोर्सेज बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। Therefore, the coefficient of volume expansions of liquid is greater than solid. जाहिर सी बात है कि लिक्विड का जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा होगा सॉलिड की नस्बत, क्योंकि सॉलिड के जो मालिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली बॉन्डेड होते हैं एज कम्पेयर टू द लिक्विड। ठीक है, उसके बाद अब हम जो है हाउ डू लिक्विड्स एक्सपेंड वैन हीटेड, ये मैंने आपको सारा बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी होती है बेसिकली बम किरदार अदा कर रही होती है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, वाइब्रेशन इंक्रीज़ होती है, मालिक्यूल्स में एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होते हैं। तो इस तरह का सवाल आपके पास बन के आ सकता है। उसके बाद जो हमने पढ़ना है वो है डज वाटर एक्सपेंड विद हीट। बेसिकली ऐसी बात है, हम जानते हैं कि वाटर एक्सपेंड तो करेगा हीट से, क्यों, क्योंकि वाटर के अंदर ऐसे ही मालिक्यूल्स एक दूसरे से दूर हटते हैं, टाइटली बॉन्डेड नहीं होते, स्पेस मांगते हैं। उसकी रीज़न है यहाँ पर, वाटर इज एन अनयूजुअल लिक्विड एंड हैज़ यूनिक प्रॉपर्टी बट डज नॉट हैव द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ देयर लिक्विड्स। क्योंकि वाटर के अंदर, अब देखें, वाटर के अंदर एक ऐसा अनयूजुअल करते, एक ऐसा खास लिक्विड होता है जो बाकी दूसरे लिक्विड से अपोजिट होते हैं, बिहेवियर शो करते हैं। वाटर डज इन डीड एक्सपेंड वेन वार्म एंड इट कॉन्टैक्ट्स वेन इट्स कूल। ऐसी बात है, अब आप एग्जाम्पल यहाँ से देख लें, पानी है, आपने उसको फ्लेम दिया, उसको आग दी यानी उसको हीट प्रोवाइड की, तो वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूव करेंगे और एक दूसरे से दूर जाएंगे। बट जब आप उसका टेम्परेचर कम करते हो, आप फ्रीज़र में रख देते हो, तो वो आइस की फॉर्म अख्तियार कर लेते हैं। इसका मतलब आइस की फॉर्म में जब वो आया तो कॉन्टैक्ट हो गया, और वैसे अगर उसने उबलना शुरू किया तो वो एक्सपेंड हो गया। ठीक है, उसके बाद है व्हाट टेम्परेचर डज वाटर स्टार्ट टू एक्सपेंड, कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर है कि जहाँ पर वाटर जो है वो एक्सपेंड होना शुरू करता है, तो वो है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिक्विड की करेक्टरिस्टिक के हवाले से। लिक्विड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ऐसी बात है, लिक्विड को हम कंप्रेस तो कर नहीं सकते। इन लिक्विड्स मालिक्यूल्स प्रीटी क्लोज टू ईच अदर, लिक्विड के मालिक्यूल एक दूसरे के साथ क्लोज होते हैं। लिक्विड जो है उसका फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। लिक्विड को आप जग में डालेंगे तो जग की शेप अख्तियार कर लेगा, आप उसको किसी बर्तन में डालेंगे तो उसी की शक्ल अख्तियार कर लेगा। लिक्विड्स फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर, जाहिर सी बात है पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, नीचे से तो ऊपर कभी जाता ही नहीं है। ठीक है, लिक्विड्स हैव देयर बॉइलिंग पॉइंट्स अबव रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये है कि लिक्विड जो है वो अबव रूम टेम्परेचर बॉयल होगा, यानी 25 से 25 जो है रूम का है, तो 25 से अबव कौन सा होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर जो होता है वो बॉयल होता है। ठीक है, अ लिक्विड इज हीटेड इन अ कंटेनर, हीट फ्लोस थ्रू, ये सारा वही बताया मैंने आपको कि अपेरेंट एक्सपेंशन की आपके पास एग्जांपल आ सकती है, सॉरी डेफिनेशन आ सकती है। ठीक है, तो आपने यहाँ से बताना है, अ लिक्विड इज हीटेड इन अ कंटेनर, हीट फ्लोस थ्रू द कंटेनर। ठीक है, टू द लिक्विड, अब क्या है कि कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड रखा, उसको हीट प्रोवाइड किया, अब कंटेनर से हीट कहाँ पे जाएगी, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जाएगी, वो एक दूसरे रैंडमली मूव करेंगे। ठीक है, पहले तो वो एक्सपेंड करेंगे, फिर इजीली फॉल कर जाएंगे, उसको हम बोलते हैं अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड वाटर, ये आपके पास डेफिनेशन आ गई है, आपने इसको कवर करना है, आपके पास ये इंपॉर्टेंट जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्टिविटी है आपकी पेज नंबर 189 पर आपकी बुक में है, यूनिट नंबर 8 में। इस एक्टिविटी को बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये ना तो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ना शॉर्ट क्वेश्चन, ना यहाँ से एमसीक्यू आती है। इसमें से मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से निकाले, इस पैराग्राफ से और यहाँ पर आपको दिखा दी, जैसे अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ वाटर आ सकता है तो मैंने आपको सेपरेट करके शॉर्ट क्वेश्चन निकाल दिए, बस आपने यहाँ से करना है, उस वाले पैराग्राफ को टच नहीं करना जो एक्टिविटी में दिए गए। द कोफिशेंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज द फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम बाय विच द लिक्विड अपेयर्स टू एक्सपेंड पर डिग्री राइज टेम्परेचर। डिग्री सेल्सियस मैंने आपको बता दिया, 4 डिग्री पे क्या करता है, राइज करता है, इसका फिक्स मास होता है, इंक्रीज करता है इसका वॉल्यूम जब डेंसिटी जो है डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ तक के जो थे हमारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर 8 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। वंस अगेन थैंक यू टू लर्न, स्टे ब्लेस एंड स्टे, ठीक है, विद द बेस्ट विशेस। और आज हमने यूनिट नंबर 8 जो है कम्प्लीट कर लिया, इंशाल्लाह आपको आपका लास्ट जो चैप्टर है लेक्चर नंबर मतलब यूनिट नंबर 9 का वो डिलीवर कर देंगे। तो यहाँ तक 1 से लेकर 8 तक आपके सारे चैप्टर जो है मैंने इजीली कवर करवाए हैं, और साथ साथ बता दी कि किस तरह से आपने अटैम्प्ट करना है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ETC।
सब कुछ बता दिया है, तो आपने इसको इजीली कवर करना है। और बहुत आसान टॉपिक्स थे ये, कोई मुश्किल की बात नहीं है, सब कुछ आसान था। तो आपने क्या करना है, इसको अपने ध्यान में, अपने माइंड में रखना है, और इजीली आपने इसको क्या करना है, इसको मत समझना है। मैंने समझा दिया आपको बुक से, आप रीड, मैंने अब देखिए, मैंने कुछ ऐसे होते हैं कि आपको मैं जस्ट स्लाइड्स आपको रीड आउट कराऊँ और आपको बुक ना रीड कराऊँ। जब आप स्लाइड्स पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आप बुक पढ़ने बैठेंगे ना, आपको समझ कुछ नहीं आएगा। इसी वजह से मैंने यही अपना तरीका अपनाया है कि साथ साथ आपको स्लाइड भी पढ़ाऊँगी, साथ साथ आपको टॉपिक आपकी बुक से रिलेटेड भी पढ़ाते जाऊँगी, ताकि साथ साथ बुक भी आपकी बुक के जो टॉपिक्स हैं, चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं, वो भी इजीली कवर हो जाए, और साथ साथ स्लाइड के कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाए, ताकि आप जब दोबारा सेल्फ स्टडी करने बैठेंगे तो आपको इजीली जो है वो कवर हो जाएगा सारा। ठीक है।